हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग सेफ हैं एंड दिस इज द फाइनल लेक्चर ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, इसके बाद में हमारा लाइफ प्रोसेस खत्म हो चुका है, एक्सक्रीशन फाइनल पार्ट है उसका। एंड अभी बता दो, नहीं यार बाद में बताता हूँ, कुछ बहुत ही कमाल की चीज़ है, अभी नहीं बताता हूँ, बाद में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो या आप लोगों ने देख लिया होगा, मोस्ट ऑफ यू माइट हैव स्टडीड लाइफ प्रोसेसेस, कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन अभी रिविजन हो जाएगा और साथ में टेस्ट भी है। ठीक है, सो या बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट करवा दिया। आज मेरी जान हम लोग बात करने वाले कि यार बॉडी के अंदर ना बहुत सारी प्रोसेसेस चलती रहती है, हमें पता है राइट, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस चलती रहती है और इन सारी प्रोसेसेस के चलते कुछ ना कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए एक तो इसेंशियल नहीं होते, बिल्कुल काम के नहीं होते हैं, और दूसरी बात हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यही बात करने वाले हैं कि इन प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी में से बाहर कैसे निकाला जाता है। आज हम लोग सिर्फ एक्सक्रीशन एनिमल्स की बात नहीं करेंगे, आज हम लोग एक्सक्रीशन प्लांट्स की भी बात करेंगे, समझ लो तुम माइंड को। ओके, तो आज हम लोग दोनों की बातें करने वाले हैं, बहुत ही छोटा सा आसान सा टॉपिक है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके, एंड उसी के साथ साथ यार वी आर क्वाइट क्लोज टू 100K। ठीक है, तो हमारी जो तबाही फैन है वो 100K मेंबर्स की होने वाली है, तो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब ऑलरेडी आई थिंक दैट यू शुड सब्सक्राइब। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस by which an organism gets rid of nitrogenous waste products from the body. Alright, तो ऐसी process basically biologically होगी क्योंकि हमारी body के अंदर हो रही है। ठीक है, by which an organism gets rid of nitrogenous waste products from the body. अब यहाँ पर यार ये definition ऐसी है जो कि of course एक definition है, लेकिन nitrogenous waste क्या है, इसका कहना क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हम लोग थोड़ा सा आगे समझेंगे। बट इसकी जो basic definition है, it says excretion is a biological process by which an organism gets rid of nitrogenous waste products from the body. Alright, अब एक बहुत ही बड़ा common सा myth जो होता है वो excretion और ejection के बीच में होता है। ठीक है, excretion और ejection के बीच में होता है। ठीक है, यार देखो इन दोनों के अंदर ना एक बहुत ही basic सा फर्क है। excretion के अंदर हम क्या बातें कर रहे हैं, excretion के अंदर हम बात कर रहे हैं we are getting rid of nitrogenous waste products from the body, लेकिन जब मैं ejection की बात करता हूँ ना, इजेशन पता है क्या है, जब हम लोग सुबह जाते हैं, ठीक है, जब सुबह हम लोग बैठते हैं, ठीक है, दैट इज इजेशन। क्योंकि इजेशन के अंदर हम लोग अनडाइजेस्टेड मैटर को अपनी बॉडी में से बाहर करते हैं। ठीक है, हमें पता है क्या बॉडी में डाइजेशन होता है, ठीक है, हमें पता है कि बॉडी में डाइजेशन होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सारा का सारा खाना जो हम लोग खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है। हम ये 100% पता है, ठीक है, सारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो सकता, तो जो चीज़ अनडाइजेस्टेड रह जाती है वो एक्चुअली हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो उसे यार बॉडी में से बाहर निकाला जाता है और वो प्रोसेस जो होती है वो बेसिकली इजेशन होती है। तो जहाँ पर हम लोग सुबह सुबह जाते हैं, ठीक है, और बैठते हैं जाकर, दैट इज इजेशन। तो सिंपल सी भाषा में इजेशन इज पॉटी। ठीक है, लेकिन जब मैं एक्सक्रीशन की बात करता हूँ ना, तो हम जो सुसु करने जाते हैं, यूरिनेशन, इट इज एक्सक्रीशन। ठीक है, अब ये क्या है, क्यों है, कैसे है, वो आगे देखेंगे, लेकिन एक बहुत ही कॉमन सा डिफरेंस यहाँ पर आज हमें क्लियर हो चुका है कि मेरी जान यार एक्सक्रीशन और इजेशन दोनों में फर्क है। इजेशन में हम अनडाइजेस्टेड मैटर को बॉडी से बाहर फेंक रहे हैं, एक्सक्रीशन के अंदर हम नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी में से बाहर फेंक रहे हैं। ठीक है, दोनों में छोटा सा फर्क है। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस ही एक्सक्रीट करते हैं, नहीं मेरी जान, एक्सक्रीशन ह्यूमंस में भी होता है, एक्सक्रीशन प्लांट्स में भी होता है। ठीक है, तो प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं, और प्लांट्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब मैंने तुम्हें जैसे कि बोला था कि एनिमल्स के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, ठीक है, और उन प्रोसेसेस के चलते कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी, हमारे प्यारे प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। हमें पता है ना कौन सी होती है, चलो एक बार नाम लिख के देखते हैं। हमें पता है फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, हमें पता है प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। हमें पता है प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, तो प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन भी होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। हमें ये पता है कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन भी होता है, ऑलराइट, हमें ये पता है कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन भी होता है,
ट्रांसपिरेशन बेसिकली क्या होता है, वाटर लॉस, राइट। हमने देखा था कि कैसे हीट के कारण जो पानी है उसका लॉस होता है प्लांट्स में से, राइट राइट ओके। यार हमने फोटोसिंथेसिस में एक चीज देखी थी कि अगर ये हमारा प्लांट है, ठीक है, ये हमारा प्लांट है, ऑलराइट, दिस इज आवर प्लांट। फोटोसिंथेसिस में वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड वाज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सीधी सी भाषा में एक प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में। लेकिन हमने ये भी देखा था कि इसका जो एंड प्रोडक्ट जो होता है, जो कि प्लांट्स बाहर छोड़ते हैं, वो होता है ऑक्सीजन, ठीक है, वो होता है ऑक्सीजन। तो तुम्हें एक फन फैक्ट पता है, ऑक्सीजन इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इजंट दैट अमेजिंग, ऑक्सीजन इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या छोड़ रहा है, प्लांट ऑक्सीजन छोड़ रहा है। तो यार ऑक्सीजन प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है इन द केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑलराइट, इन द केस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और यहां पर हम देख भी सकते हैं, ऑक्सीजन कैन बी लुक्ड अपॉन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड चलो इसके बाद की बात हम लोग अब करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो, ठीक है, ये है वापस है हमारा प्लांट, ऑलराइट। यहां पर मैं इसको रेड से ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, बढ़िया। अब अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करता हूं, तो हमने रेस्पिरेशन के अंदर एक चीज हमेशा से ये ध्यान रखी है स्टार्टिंग से, कि रेस्पिरेशन के अंदर एक प्लांट को, या फिर अगर मैं ह्यूमंस की भी बात करता हूं, तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑलराइट, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसका ये मतलब है कि रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स को ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑलराइट। और रेस्पिरेशन में प्लांट्स क्या छोड़ते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। देखो फोटोसिंथेसिस कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है, रेस्पिरेशन कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है, दोनों के साथ में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, नहीं तो तुम एंड प्रोडक्ट्स में भी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, इस केस में CO2 इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। व्हाई? क्योंकि रेस्पिरेशन में प्लांट्स ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। समझ में आ रही ना बात, बहुत आसान है, राइट। तो सीधी सी बात है, अगर रेस्पिरेशन के अंदर भाई साहब प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट होगा? बिल्कुल होगा, राइट। तो रेस्पिरेशन का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ ट्रांसपिरेशन की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ट्रांसपिरेशन की, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देते हैं और बात करते हैं ट्रांसपिरेशन की, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हमारा अगेन एक प्लांट है। हम ये जानते हैं कि हीट के कारण प्लांट में से पानी का लॉस होता है, वाटर लॉस होता है, ओके। तो जब यार पानी का लॉस हो रहा है, यानी कि प्लांट पानी छोड़ रहा है, ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन के केस में क्या होगा वेस्ट प्रोडक्ट? ट्रांसपिरेशन के केस में हमारा H2O यानी कि वाटर एक वेस्ट प्रोडक्ट होगा। तो तुम देख लो कितना कमाल का है सब कुछ, मतलब अलग अलग प्रोसेसेस, अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस जो कि भाई साहब प्लांट के लिए ऑक्सीजन एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, हमने बात की ना यहाँ पर कि कैसे यार फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस में ऑक्सीजन जो होता है वो प्लांट के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, मतलब बहुत सारा जो ऑक्सीजन होता है वो हमारा प्लांट छोड़ देता है। हाँ, उसको कुछ यूटिलाइज करना पड़ता है रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन बहुत सारा ऑक्सीजन वो छोड़ देता है हवा में, और वो ऑक्सीजन ह्यूमंस के लिए, सारे एनिमल्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है जीने के लिए, मतलब सोच रहे हो तुम कितना कमाल का इकोसिस्टम है। जब मैं बात करता हूँ रेस्पिरेशन की, तो पूरा उल्टा है इस खेल में, पूरा उल्टा है इस खेल में। प्लांट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्लांट CO2 छोड़ता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं आया ना एक्सक्रीशन के बारे में, हमेशा याद रखना कि प्लांट के अंदर, हाँ यार प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन कैसे हो रहा होगा, तो प्लांट के अंदर तीन प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, जो कि हमने पढ़ी है, ठीक है, जो कि हमने पढ़ी, मैं ये स्पेसिफाई कर देता हूँ पहले, ठीक है, जो कि हमने पढ़ी है। ऑलराइट, फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था, प्लांट CO2 यूटिलाइज कर रहा था और ऑक्सीजन छोड़ रहा था, राइट। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था, प्लांट ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा था, राइट। ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा था, हीट के चलते H2O छोड़ा जा रहा था, यानी कि पानी निकल रहा था। तो ये तीनों अलग अलग केस में वेस्ट प्रोडक्ट्स बन गए, ऑलराइट, समझ में आ गई भाई। अब वापस से उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में लिखा हुआ है, क्या कि ऑक्सीजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हमने अभी बात की, ठीक है, ऑक्सीजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही बात है, एंड वाटर इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन, खत्म बात। अब इसके अंदर एक और छोटा सा पोर्शन आता है, दैट इज व्हाट आर द अदर प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सक्रीशन। यार गम्स, ठीक है, मैं यहाँ पर नेचुरल गम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सिंथेटिक गम की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स जब मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ तो मैं नेचुरल चीजों की बात कर रहा हूँ, राइट। रीजन्स, सबको पता है रीजन्स क्या होते हैं, रबर, अगेन सबको पता है रबर क्या होता है, लेटेक्स, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो यहाँ पर मैं लाल से मैंने पूरा इस पर गोला बना दिया, ये जो है लेटेक्स कलेक्ट हो रहा है, यहाँ पर लेटेक्स कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर वेस्ट
फॉर अ प्लांट, लेकिन हम इंसानों के लिए कितने काम के होते हैं। मतलब यार हर तरीके से, ऑलमोस्ट हर तरीके से प्लांट का हर एक प्रोडक्ट इंसानों के लिए और सारे मतलब एनिमल्स के लिए भी बहुत यूज का होता है। ऑल राइट, सो गाइस हमने अभी तक क्या बात कर ली मेरी जान, हमने बात कर ली है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की। ऑल राइट, हमने बात कर ली है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की, तो अभी हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही छोटा सा पोर्शन है एनसीईआरटी में, लेकिन कभी काफी काम का है। ठीक है, हमने इसके अंदर बात कर ली कि हमारे जो प्रोसेसेस होती हैं उसके अंदर के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो एंड प्रोडक्ट होते हैं, जो बाहर निकल रहे होते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ऑक्सीजन, CO2, H2O। उसके बाद में हमने ये भी बात की कि यार जो गम्स होते हैं, रेजिन्स होते हैं, लेटेक्स होता है, वो भी प्लांट्स के, ट्रीज के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन हमारे लिए कितने काम के होते हैं तुम देख सकते हो ना, तुम वाइब समझ सकते हो। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। हाँ हाँ हाँ, ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। हमें पता है कि इजेशन अलग चीज है, ठीक है, इजेशन एक अलग चीज है। ऑल राइट, तो इजेशन और एक्सक्रीशन के साथ में हम लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड मैटर फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है, और हम सुबह सुबह वो कर लेते हैं। ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस की। ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस इंक्लूड स्किन, लिवर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स एंड किडनीज। कैसे कैसे? ठीक, अगर मैं स्किन की बात करता हूँ तो यार हम ये जानते हैं कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन जो है बेसिकली जब कोई काम करते हैं या फिर हम कुछ भी करते हैं तो हमें पसीना आता है। ऑल राइट, हमें क्या आता है? पसीना आता है, हमें स्वेटिंग, हम कह सकते हैं हम स्वेट करते हैं या फिर हमें स्वेट आता है। ठीक है, हमें स्वेट आता है। ऑल राइट, तो वो स्वेट क्या है? दैट इज बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, जो हमारी बॉडी में से निकाला जा रहा है। अब इस स्वेट के अंदर यार, इस स्वेट के अंदर थोड़ा सा यूरिया होता है। ऑल राइट, थोड़ा सा पानी होता है, ठीक है, हम जानते हैं, और सॉल्ट भी होता है। इसलिए अगर तुमने नोटिस किया होगा तो जब भी कभी कभी गलती से, डोंट टेल मी कि आज तक पसीना तुम्हारे मुंह में नहीं गया, ठीक है, गलती से चले ही जाता है। ठीक है, और जब पसीना मुंह में जाता है ना तो थोड़ा सा सॉल्टी सॉल्टी लगता है। राइट, तो हमें ये पता चल गया है अब कि हमारा जो स्वेट होता है उसके अंदर थोड़ा सा यूरिया होता है, ठीक है, वाटर होता है और सॉल्ट होता है। और ये जो यूरिया होता है ना, ये जो यूरिया होता है, यूरिया को हम कह सकते हैं भैया ये सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, ठीक है, यूरिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर होता है और जिसे हमें बाहर निकालना ही होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यूरिया जो होती है वो हमारे लिए सबसे टॉक्सिक वेस्ट होती है। अगर मैं बात करता हूँ लीवर की, तो यहाँ पर भी बहुत कमाल के काम चल रहे होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेन चीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है लीवर। यहाँ पर लीवर में क्या होता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं उन्हें कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में, ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया जाता है एंड वी ऑब्टेन यूरिया। और ये जो यूरिया होता है ये काफ़ी टॉक्सिक होता है। कैसा होता है? काफ़ी टॉक्सिक होता है ये जो यूरिया होता है, ये काफ़ी टॉक्सिक होता है, और इस यूरिया को बॉडी से बाहर निकालना होता है। अब वो कैसे निकलता है, क्यों निकलता है, वो तो हम समझेंगे ही, लेकिन एक ब्रीफ ओवरव्यू अगर मैं देता हूँ तो बेसिकली लीवर में क्या होता है यार, लीवर में हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं उन्हें ब्रेक डाउन किया जाता है टू ऑब्टेन यूरिया, और इस यूरिया को बॉडी में से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर जो कह सकता हूँ कि वेस्ट बाहर जाती है, जो वेस्ट एक्सक्रीट आउट की जाती है, दैट इज अमोनिया। तो बस ये ध्यान रखना, वैसे एक्वेटिक एनिमल्स का इतना ज्यादा अभी इसमें है नहीं, बट मैं तुम्हें एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ। अब प्रोटीन्स, यार प्रोटीन्स जो होते हैं उन्हें ब्रेक डाउन किया जाता है यूरिया में। ऑल राइट, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन किया जाता है यूरिया में, और इस यूरिया को यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाला जाता है। हमें पता है यूरिन क्या होता है, ऑल राइट, एवरीवन इज फैमिलियर व्हाट इज यूरिन, ठीक है, तो ये जो यूरिया होता है यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ओके, अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर किडनी की, तो ये जो किडनी है, ठीक है, यहीं पर सारा खेल चलता है। ऑल राइट, यहीं पर सारा खेल चलता है, ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पर लंग्स की बात भी की गई है, जो कि यहाँ पर मैंने ड्रॉ नहीं किया। अगर मैं लंग्स की बात करता हूँ तो हम ये जानते हैं, हमने प्लांट्स में भाई साहब बात की थी कि कैसे प्लांट जो है वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन यूज करते हैं और CO2 छोड़ते हैं, ठीक है, CO2 रिलीज करते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा? CO2 होगा। उसी तरीके से हमने ये भी पढ़ा था कि भैया ह्यूमंस के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है। हाँ भैया, बिल्कुल होता है। ऑलराइट, तो ह्यूमंस के अंदर जब रेस्पिरेशन होता है तो क्या उसमें वेस्ट प्रोडक्ट CO2 बनता है? जी बिल्कुल बनता है। ऑलराइट,
तो अगेन सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी के अंदर भी लंग्स के थ्रू हमें पता है कि एल्वियोलाई होते हैं, ये हम हजार बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। वहां पर गैसेज एक्सचेंज होता है, उसके बाद में फिर एल्वियोलाई जो है वहां पर वो दैट इज द साइट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में से CO2 को बाहर निकाला जाता है थ्रू आर लंग्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि लंग्स आर ऑल्सो आर ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन, क्योंकि यहां से भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। ऑलराइट यार, हमने अभी बात तो कर ली थी यूरिया की, हमने स्वेटिंग वेटिंग की बात कर ली। अगर मैं वापस एक बार बात करता हूँ यूरिया की यार, तो यूरिया बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट होती है, ठीक है। यूरिया बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट होती है जिसे हमारी बॉडी से बाहर निकालना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले तो ये टॉक्सिक होता है, ठीक है। ये टॉक्सिक वेस्ट होती है और बेसिकली जो एक्चुअल में काम होता है वो कुछ ऐसा होता है यार कि हमें पता है कि प्रोटीन से, हमने अभी बात की कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके हमें यूरिया मिलता है, ठीक है। ये जो यूरिया होता है ये यूरिया किडनी में फिल्टर किया जाता है, ठीक है। ये यूरिया किडनी में फिल्टर आउट होता है और यूरिन के फॉर्म में ये बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से, ठीक है, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ऑलराइट, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो बेसिकली यार हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके ये कहाँ पर होता है, ये लीवर की बात चल रही है, ठीक है। यहाँ से हमारा यूरिया का फॉर्मेशन होता है, फिर ये जो है वो फिल्टर आउट होता है किडनी के अंदर। क्यों होता है, कैसे होता है, आगे बातें करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि यूरिन का फॉर्मेशन होता है और ये जो यूरिन होता है ये बेसिकली हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि हम देखते हैं ना लिक्विड होता है, तो वो क्या प्रोसीजर है वो तो हम देखेंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसा पूरा काम हो रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। और क्यों निकाला जाता है, क्योंकि एक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है और टॉक्सिक होता है बहुत ज्यादा और हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। और जो चीज हमारे लिए हार्मफुल है उसे हम अपने पास नहीं रखेंगे। देखो ये है बंटी, ठीक है, ये है विनोद, ठीक है, ये है विनोद। बंटी और विनोद बचपन से बहुत अच्छे दोस्त, वापस से लिख देता हूं यहां पर, बंटी एंड दिस इज विनोद। बंटी और विनोद बचपन से बहुत अच्छे दोस्त, ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त। लेकिन अब क्या हुआ यार कि बंटी धीरे धीरे विनोद के जीवन में ना विनोद की विनोदता को कम करने लग गया, बंटी विनोद के जीवन में जहर घोलने लग गया, बंटी इन शॉर्ट विनोद के लिए टॉक्सिक बन गया, ठीक है। तो अब विनोद को क्या करना चाहिए, देखो ऐसे टाइम पे विनोद के लिए सबसे बेस्ट है कि यार वो बंटी से दूर हो जाए, नहीं तो बंटी अपनी लाइफ तो खराब कर ही रहा है लेकिन विनोद की लाइफ भी खराब कर रहा है, ठीक है। इस केस में हमें पता है कि यूरिया जो है यूरिया टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए। सेम केस है, वही केस है जो बंटी और विनोद के साथ हुआ अभी, ठीक है, जो ट्रेजेडी यहाँ पर हुई वही यहाँ पर होती है। यूरिया जो होता है हमारी बॉडी के लिए यार टॉक्सिक होता है, ठीक है, और जो चीज हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है हम उसको अपने साथ नहीं रख सकते, इसलिए इसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो ये बंटी और विनोद की टॉक्सिक जो दोस्ती है तुम उससे इस चीज को याद रख सकते हो, बंटी को विनोद की विनोदता से परेशानी होने लग गई। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर जो कि है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। और जनरली यार यहीं से सवाल आते हैं, अगर मैं तुमसे सिर्फ सवालों की बात करता हूँ ना तो यहाँ से सवाल आ जाएंगे और नेफ्रॉन्स वाले पोर्शन से सवाल आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा मगजमारी वाला काम नहीं होता है और छोटा सा पोर्शन है, कॉन्टेंट भी कम है, तो इसलिए क्वेश्चन भी घुमा फिरा के वही आते हैं। अगर मैं बात करता हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स की, तो एक बार हम लोग जो लिखा हुआ है उसके ऊपर गौर करते हैं, अगर वो समझ में आ गया तो पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, कुछ नया बताओ, कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज। एक बार डायग्राम देखता हूँ, ये जो राजमा जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो राजमा की शेप के दिख रहे हैं ये हमारी किडनीज होती है, ठीक है, ये हमारी किडनीज होती है। बीन शेप बोलते रहते हैं ना, वो बेसिकली यही होता है, राजमा की शेप की याद रखना, हमको ज्यादा अंग्रेज बनने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, हमने बात कर ली। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरेटर्स क्या है, यूरेटर्स ये है, ठीक, ये यूरेटर्स है। यूरेटर्स का काम क्या होता है, हम उसके पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो किडनी में क्या होता है ना, किडनी में हमारा जो यूरिया है उसको बेसिकली फिल्टर आउट किया जाता है और इन शॉर्ट यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो किडनी के अंदर, ठीक है, किडनी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ऑल राइट, गजब, मजा आ गया, ठीक है। अब ये जो यूरिन है उस यूरिन को इस ब्लैडर तक पहुंचाने का काम, इस ब्लैडर तक पहुंचाने का काम हमारे यूरेटर्स करते हैं, ठीक है, हमारे यूरेटर्स करते हैं। तो यहाँ पर यूरेटर्स क्यों कहा गया, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स क्यों कहा गया, क्योंकि ये दो होते हैं, ठीक है, एक इस किडनी से आ रहा है, एक इस किडनी से आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रही है भाई। ऑल राइट, तो अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर। अब हमने बात कर ली कि भाई साहब किडनी यूरिन फॉर्मेशन में काम आते हैं, यूरेटर्स कहाँ पर काम आते हैं,
यूरेटर्स काम आता है यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने में, ठीक है, यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने में। अब यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम होता है, तो बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ना यूरिन को स्टोर करके रखता है अंटिल इट इज रिलीज्ड, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, इट स्टोर्स यूरिन। अब ये कैसे काम करता है ना, थोड़ा सा एकदम इंटरेस्टिंग वे में देखते हैं, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर स्टोर्स यूरिन, ठीक है, इट स्टोर्स यूरिन अंटिल रिलीज्ड। ऑलराइट, अब हमें ये पता है कि हमारी किडनी बेचारी क्या कर रही है, कि यूरिया जो है उसको फिल्टर आउट कर रही है एंड यूरिन का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि हमारी किडनी हमारे लिए यूरिन का फॉर्मेशन कर रही है। ऑलराइट, अब यूरिन बन गया, ठीक है, अब यूरिन बन गया। हमें ये पता है हमारे घर के अंदर ऊपर टंकी होती है, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर हमारा नल है, ठीक है। अब इस टंकी से इस नल तक कोई ना कोई पाइप होता है, राइट, तभी तो पानी टंकी में से पाइप तक आएगा ना। उसी तरीके से यार हमारी जो किडनी है इस किडनी से इस यूरिनरी ब्लैडर तक, ठीक है, इस यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को पहुंचाने के लिए एक पाइपलाइन की जरूरत है और वो काम यहाँ पर हमारे यूरेटर्स करते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत, बहुत आसान है, ठीक है। अब यूरिन किडनी से निकला, यूरेटर्स के थ्रू हमारे ब्लैडर तक पहुंच गया, ठीक है। अब ये जो ब्लैडर होता है ना, ये ब्लैडर यूरिन को स्टोर करके रखता है, ठीक है, ये जो ब्लैडर होता है यूरिन को स्टोर करके रखता है अंटिल इट इज रिलीज्ड। तो अभी सीधी सी बात है यार, अगर कोई अभी इंसान गया वॉशरूम, ठीक है, हल्का होके आ गया, ऑलराइट, तो अब क्या वापस 2 मिनट बाद हो जाएगा, नहीं जाएगा, एक इंटरवल के बाद जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, ठीक है, उसके बाद कोई इंसान वापस से वॉशरूम जाता है। तो तब तक ऐसा तो नहीं है कि हमारी किडनी को हमने बोल दिया सुन मेरी बात, नहीं, अभी मैं सो रहा हूँ थोड़ी देर, तो यूरिन बनाना बंद कर दे सब, और जब उठूंगा तब देख लेंगे। ऐसा होता है क्या, ऐसा कभी करते हुए देखा है किसी को, हमने खुद ने कभी ऐसा करा है, नहीं किया है। ऑलराइट, इसका मतलब ये है यार कि यूरिन तो बनता जा रहा है और स्टोर हो रहा है हमारे ब्लैडर में, ठीक है, स्टोर हो रहा है हमारे ब्लैडर में। और हमें ये भी अच्छे से पता है कि यार एक टाइम के बाद में लिमिट क्रॉस हो जाती है, ठीक है, अब तो जाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में वॉशरूम, ठीक है, अब तो इतनी जोर से सूस हुआ है कि अब बाथरूम जाना ही पड़ेगा। उस केस में क्या होता है कि हमारा ब्लैडर पूरा भर जाता है, ठीक है, अब उसके पास बेचारे के पास जगह ही नहीं है कि वो और यूरिन स्टोर कर सके, तो बोलता है भाई साहब प्लीज यूरिन को बाहर जाने दो ताकि और यूरिन जो ऊपर से आ रहा है उसका मेरे पर लोड ना पड़ सके, ठीक है। ये बाल्टी है, ठीक है, यहाँ पर ये बाल्टी है, ये बाल्टी की कैपेसिटी है, अगर ये कैपेसिटी फिल हो गई, यानी कि अगर मान लेते हैं 10 लीटर की बाल्टी है, 10 लीटर की बाल्टी में पानी पूरा भर गया, उसके बाद क्या पानी और उसमें भरेगा, नहीं भरेगा, अब पानी बाहर फ्लो होने लगेगा, ठीक है, अब पानी बाहर फ्लो होने लगेगा। सेम कैसे है कि यहाँ पर एक लिमिट है, यूरिन वहाँ पर आए जा रहा है स्टोर हुए जा रहा है, तो एक टाइम के बाद में लिमिट क्रॉस हो जाती है, फिर वो भी बेचारा बोलता है कि प्लीज सर अभी यूरिन को बाहर जाने दो, बहुत सारा स्टोर हो चुका है, अब मैं इतना नहीं झेल सकता। अभी भी पता है आर्टरी एक ऐसी चीज होती है जो कि ब्लड को हमारे हार्ट से दूर लेके जाती है, ठीक है। ओके यार, यहाँ पर मैं छोटा सा एग्जांपल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है बंटी का घर, ये है विनोद का घर, ठीक है। बंटी अपने घर से निकला और विनोद के घर की तरफ जा रहा है, बंटी अपने घर से तो दूर जा रहा है लेकिन बंटी विनोद के घर के पास आ रहा है, ठीक है, ठीक है, सही बात है। अगर मैं बात करता हूँ आर्टरी ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जा रही है, ठीक है, ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जा रही है लेकिन हमारे ऑर्गन के पास लेकर जा रही है ना, अगर ये हमारा, ठीक है, ये हमारा हार्ट है और ये हमारी आर्टरी है, ठीक है, तो आर्टरी क्या कर रही है, ब्लड को हमारे हार्ट से दूर लेके जा रही है लेकिन इस ऑर्गन के तो पास लेके जा रही है ना, इसलिए यार ये जो तुम यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारी आयोटा है। हमने बात की थी कैसे ब्लड जो है वो आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है, सारे ऑर्गन्स तक जाता है, ठीक है, तो ये वो वाली आयोटा है, ये रही आयोटा, एन आयोटा इज एन आर्टरी, ऑलराइट, आयोटा इज एन आर्टरी, ठीक है। तो ये जो आर्टरी है यहाँ से आ रहा है ब्लड हमारा और ये गया किडनी के अंदर, ठीक है, ये गया किडनी के अंदर। यहाँ पर अगर मैं इसे वापस एक बार हटा देता हूँ, यहाँ पर जो तुम देख सकते हो ये बेसिकली है रीनल आर्टरी, ठीक है, ये बेसिकली है रीनल आर्टरी, और किडनी से रिलेटेड हर एक चीज को रीनल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर विनोद भी खड़ा होता इस किडनी पे, इस राजमा के बीच पे, अगर हमारा विनोद भी खड़ा होता तो उसे हम कहते हैं रीनल विनोद, ठीक है। यहाँ पर इसे रीनल वेन क्यों कहा गया, इसे रीनल वेन इसलिए कहा गया यार क्योंकि यहाँ से चीजें ऑर्गन से दूर जा रही है। जब चीजें ऑर्गन से दूर जा रही है इसका मतलब, अब मैं ब्लड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो जब ब्लड हमारा किडनी से दूर जा रहा है, हमारे ऑर्गन से दूर जा रहा है, इसका ये मतलब है कि वो हमारे हार्ट के पास जा रहा है
ऑल राइट right. और हार्ट के पास ले जाने का काम कौन सी ब्लड वेसल करती है? वेन करती है, सही बात है. ठीक है, तो यहाँ से रीनल वेन हमारी निकली, यहाँ से रीनल वेन हमारी कनेक्टेड है, और ये जो वेना कावा है, अगेन वेना कावा एक वेन है, तो इस वेना कावा वेन के थ्रू ब्लड हमारा ऑर्गन से हार्ट की तरफ जा रहा है, हार्ट के पास जा रहा है. ठीक है, वाइब समझ में आ रही है. ऑल राइट, यहाँ पर हमने बात कर ली किडनी की कि कैसे ये राजमा जैसे दिखने वाली किडनी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है. उसके बाद यार हम ये चीज जानते हैं, ये हमारी किडनी है. ठीक है, ये हमारी किडनी है. इस किडनी के अंदर यार मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं. ठीक है, इस किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, और यही नेफ्रॉन्स जो है वो यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ किडनी की, तो किडनी तो सिर्फ एक शेल्टर है. ठीक है, इस किडनी के अंदर अगर इस किडनी की कोई जान है तो वो है नेफ्रॉन्स. जैसे तुम लोग मेरी जान है ना, वैसे यार इस किडनी की जो जान है वो है नेफ्रॉन्स. ये नेफ्रॉन्स लाखों की तादाद में होते हैं, और ये सारे नेफ्रॉन्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी से यूरिया बाहर निकालने में, इन शॉर्ट यूरिन बाहर निकालने में. ठीक है, अब यार जैसे मैंने बोला कि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, तो वो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स कुछ ऐसे दिखते हैं. ठीक है, अगर मैं किसी एक नेफ्रॉन को उठाऊं, अगर मैं किसी एक नेफ्रॉन की बात करता हूं, तो एक नेफ्रॉन ऐसा दिखता है. ठीक है, ये जहां पर दिख रहा है ना बड़ा सा स्ट्रक्चर, एक नेफ्रॉन ऐसा दिखता है, और ऐसे हमारी किडनी के अंदर मिलियंस होते हैं. कैन यू इमेजिन कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये दिखने में, लेकिन ऐसे मिलियंस होते हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं. ऑलराइट, अब बेसिकली हमने बात कर ली कि नेफ्रॉन्स क्या होते हैं. ईच स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन. ठीक है, तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, इन शॉर्ट नेफ्रॉन्स किडनी की जान होते हैं, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ईच स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन. ठीक है, अब ये जहाँ पर तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा इसको देख के, क्योंकि भैया यार इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा कैसे. ठीक है, मैं तुम्हें एक आसान तरीका आगे बताता हूँ, लेकिन अगर ये डायग्राम तुम समझ गए तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हें हर बुक में ऑलमोस्ट यही डायग्राम देखने को मिलेगा. ठीक है, तो अगर हम ये डायग्राम समझ जाते हैं तो चीजें आसान करना भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा. राइट, तो अभी ये है हमारा आसान सा एक स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का. ठीक है, जब भी हमें बनाना हो एक यू बनाओ, उसकी एक बार आउटलाइन करो. ठीक है, यहां से निकालो उसकी पूछ, एक बार कर्व, दूसरी बार कर्व, तीसरी बार में बहुत बड़ा कर्व क्योंकि बहुत बड़ा रोलर कोस्टर है. ठीक है, वापस एक बार कर्व, वापस एक बार कर्व, और यहाँ पर इसे कनेक्ट कर दो एक पाइप. ठीक है, इस पाइप के अंदर दो चार ओपनिंग्स बना दो, खत्म काम. ठीक है, ये ऑलमोस्ट, और ये तुम्हें थोड़ा सा स्टेथोस्कोप जैसा नहीं लग रहा, थोड़ा सा स्टेथोस्कोप जैसा लग रहा है, मुझे तो लग रहा है. ठीक है, ऑलराइट, ये बात हमारी हो गई कि कैसे बनाना है हमें. ठीक है, अब हम लोग लेबलिंग की बातें करते हैं, ठीक है यार, वो जो तुमने देखा एक्चुअली स्ट्रक्चर तो वैसे ही होता है और वैसा बनाना होता है, लेकिन चीज़ों को आसानी से समझने के लिए हम ऐसे स्ट्रक्चर की बातें करते हैं. ऑलराइट, अब यहाँ पर यार ये जो तुम यहाँ पर देख रहे हो, इसे हम कहते हैं बोमेंस कैप्स्यूल. ठीक है, इसे हम यहाँ पर कहते हैं बोमेंस कैप्स्यूल. ऑलराइट, ये जो यहाँ पर तुम्हें ऐसा घिचड़ पिचड़ पूरा दिख रहा है ना, इसे एक्चुअली कहा जाता है ग्लोमेरुलस. और ये घिचड़ पिचड़ नहीं है, कोई हमसे पूछे तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ वो घिचड़ पिचड़ को ग्लोमेरुलस कहते हैं. ठीक है, ये बेसिकली होती है नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, या फिर हम बोल सकते हैं क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज. ये बात हमारी क्लियर हो गई. ये जो यू जैसा स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है, दैट इज बेसिकली बोमेंस कैप्स्यूल, कैप्स्यूल जैसा स्ट्रक्चर है. और यहाँ पर जो अंदर घिचड़ पिचड़ जो है, दैट इज ग्लोमेरुलस, इट इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज. ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं बात करता हूँ, तो ये है हमारा पीसीटी. ठीक है, ये है हमारा पीसीटी, जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बहुत ही डीप कर्व आ चुका है एकदम से यार. हम तो पहले छोटे 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 ऐसे चल रहे थे, फिर एकदम से बहुत डीप आ गया है. तो ये जो है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसे मार्क करता हूँ, तो ये जो है हमारा, इट इज कॉल्ड हेनलीज लूप. ठीक है, इट इज कॉल्ड हेनलीज लूप. अब अगर इसे विनोद ने फाइंड आउट किया होता तो उसे हम बुलाते हैं विनोद लूप. ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है. ठीक है, तो हम हेनलीज लूप की बात करते हैं. ऑलराइट, ये रिमिट क्यों नहीं रहा, यहां से यहां तक जो हमारा ट्यूब्यूल है उसे हम कहते हैं डीसीटी, यानी कि डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. ऑलराइट, ठीक है, और ये जहाँ पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ पर ऐसा पाइप दिख रहा है, दैट इज बेसिकली कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है, इसे हम कलेक्टिंग डक्ट के नाम से जानते हैं. ठीक है, ये बात हो गई. अब यहाँ पर ये जो तुम दो ट्यूब्स देख सकते हो, एक ऐसी आ रही है, तो अगर मैं इसे ड्रॉ करता हूँ तो एक ऐसा आ रहा है और एक यहाँ से जा रहा है. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल. यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख लेता हूँ, इसे हम कहते हैं एफरेंट
ठीक है, एफरेंट आर्टरीओल, ठीक है, और ये जो है इसे हम कहते हैं इफरेंट आर्टरीओल, ठीक है, इसे हम कहते हैं इफरेंट आर्टरीओल। ऑलराइट, अब यार चीजों को याद कैसे रखना है, मुझे 100% पता है कि तुम्हें कंफ्यूजन होगा, भैया ईसीटी पहले आता है भैया डीसीटी पहले आता है, भैया एफरेंट आर्टरीओल आ रही है या फिर पहले इफरेंट आर्टरीओल आ रही है, बहुत कंफ्यूजन है, कैसे करना है। देखो, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल को याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, हम ये जानते हैं पी से होता है पहला, पी से होता है पीसीटी, और कोई हिंट दो इसमें, या जो ट्यूब पहला आ रहा है, जो ट्यूब पहले आ रहा है दैट इज पीसीटी, ठीक है। डी से होता है दूसरा, डी से होता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, या फिर हम कह सकते हैं डीसीटी, और कोई हिंट दूं, ठीक है। जब भी यार तो याद नहीं आए, याद रखना कि पहला पी से होता है पहला, पी से पीसीटी, तो पीसीटी पहला आने वाला है, ठीक है, और नाम में भी प्रॉक्सिमल लिखा हुआ है, उसका मतलब ही यही है, ठीक है। और डीसीटी, डी से होता है दूसरा, डी से डिस्टल, ठीक है, यहां पर हम याद रखेंगे पी से पहला यानी कि पीसीटी, डी से दूसरा यानी कि डीसीटी। ऑल राइट, अब भैया ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है, ये पहला दूसरा वाला खेल तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। आपने यार, चलो यहाँ पर वापस से बना देता हूँ, आपने यहाँ पर यार दो आर्टरीओल्स बना के दिखाई थी, ठीक है, ये एक आर्टरीओल है, ये एक आर्टरीओल, ठीक है, इसे हमने कहा था एफरेंट आर्टरीओल, ठीक है, इसे हमने कहा था एफरेंट आर्टरीओल, इसे हमने कहा था इफरेंट आर्टरीओल, ओके। इसे कैसे याद रखेंगे भैया, इसे कैसे याद रखेंगे, मुझे पास बताओ, ए पहले आता है या फिर ई पहले आता है, ए पहले आता है तो पहले कौन सी आर्टरीओल आएगी, एफरेंट आर्टरीओल, ये सिर्फ तुम्हारे रेफरेंस के लिए, याद रखने के लिए। तो यार ब्लड, ये तो तुम एरो देख सकते हो, मैं एक बार वापस से ब्लू से मार्क कर देता हूँ, ये जो तुम एरो देख सकते हो, यहाँ से बेसिकली इस एफरेंट में से अब ब्लड आ रहा है, ठीक है, और इस कैपिलरी से, ये जो ब्लड कैपिलरी, ये जो नेटवर्क है ब्लड कैपिलरी का यानी कि ग्लोमेरुलस, यहाँ से यार एक फिल्ट्रेट रेडी होकर यहाँ पर नीचे आ जाता है, ठीक है। अब बेसिकली ऐसा है कि यहाँ पर हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा है, क्यों फिल्टर हो रहा है, क्योंकि हमें यह पता है कि जो हमारा दुश्मन है यूरिया, वो अभी भी हमारे ब्लड के अंदर है, ठीक है, और हमारे ब्लड के अंदर और बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो यार हम सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा दुश्मन कौन है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया हमारा दुश्मन कौन है, हमारा दुश्मन है यूरिया। अब यूरिया यार, यूरिया हमारे ब्लड के और बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स के साथ में वहां पर है, ठीक है, तो सबसे पहले उसे अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहली स्टेप ही यही होती है, सबसे पहली स्टेप को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में बेसिकली हमारा ब्लड जो है, नाम से समझ में आ रहा है, ब्लड जो है वो फिल्टर आउट होता है, और यहाँ पर जो नीचे आता है उसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं, उसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं। अब थोड़ा सा अगर हम लोग दिमाग लगाते हैं तो ब्लड को फिल्टर क्यों किया गया, ताकि हम लोग यूरिया को डिफ्रेंशिएट कर सकें। अगर हमें यूरिया बाहर निकालना है, ठीक है, तो इस ब्लड से फिल्टर आउट होकर क्या आया होगा, ऑफकोर्स यूरिया आया होगा, तभी तो हम उसे बाहर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा फिल्ट्रेट होता है, जो हमारा फिल्ट्रेट होता है इस केस में, वो होता है यूरिया, ठीक है। तो अगर मैं एक वापस से तुम्हें समझाता हूँ डायग्राम के थ्रू, यहाँ से हमारा ब्लड आया, ठीक है, ये पूरी नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज थी, और यहाँ से ब्लड जो है वो फिल्टर आउट होकर चले गया। अब यहाँ से जो चीज़ नीचे जा रही है उसके अंदर बेसिकली यूरिया है, क्यों है, क्योंकि हमारे ब्लड को फिल्टर ही कुछ ऐसा किया गया कि उसमें से यूरिया को फिल्टर आउट कर दिया गया, ठीक है, उसमें से यूरिया को निकाल लिया गया, क्योंकि हमें पता है कि ये जो यूरिया है ना, ये अच्छा नहीं है और हमारे काम का नहीं है, टॉक्सिक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस यूरिया को बाहर निकाल लेते हैं और बाकी सारे ब्लड के कॉम्पोनेंट्स बेचारे अच्छे हैं उन्हें जाने देते हैं, ठीक है। तो फिल्टर क्या हो रहा है, यहाँ पर फिल्टर आउट होकर आ रहा है हमारा यूरिया, लेकिन दिक्कत ऐसी है कि ये प्रोसेस बहुत तेज हो रही होती है, हमें पता है, ठीक है, हमें पता है कि ये प्रोसेस बहुत तेज हो रही होती है। तो ऐसा है कि यूरिया के साथ साथ कुछ और भी चीजें आ जाती है गलती से, जैसे कि ग्लूकोज आ जाता है, ठीक है, जैसे कि हमारा अमीनो एसिड्स आ जाते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारे कुछ आयंस आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अब ये यूरिया के साथ साथ, अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यूरिया फिल्टर आउट होगा, हमें अच्छे से पता है कि जब हम लोग सुबह चाय पीते हैं तो हमारा जो टी स्ट्रेनर होता है, जो चाय की छन्नी होती है, ठीक है, उसमें हम चाय डालते हैं, ऑल राइट, और चाय नीचे बढ़िया सी कप में आ जाती है, लेकिन हम एक चीज नोटिस करते हैं कि यार आखिरी में थोड़ी सी चाय बच जाती है, तो प्रॉपरली एग्जैक्टली चीजें फिल्टर नहीं हो रही है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द चीजें फिल्टर आउट हो रही है, हमें मोस्ट ऑफ द चाय मिल रही है, लेकिन कुछ कुछ चाय पत्ती फिर भी उस फिल्टर में से एस्केप कर गई। उसी तरीके से क्या हुआ यार, कि हमें जरूरत थी सिर्फ यूरिया की, हमें पता है कि हमें सिर्फ यूरिया को बाहर निकालना है, लेकिन अब क्या हुआ यार, इस चक्कर में क्या हुआ कि ग्लूकोज भी थोड़ा सा आ गया, ठीक है, उसके साथ साथ थोड़ा सा अमीनो एसिड्स भी आ गया, उसके साथ साथ थोड़े से आयंस भी आ गए। अब क्या किया जाए,
अगर ये ऐसा है ना कि यूरिया को तो बाहर फेंकना है, ठीक है, यूरिया को तो बाहर फेंकना है, लेकिन ग्लूकोज को बाहर नहीं फेंकना है, ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अमीनो एसिड्स को बाहर नहीं फेंकना है, ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आयंस को बाहर नहीं फेंकना है, अगेन ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्या किया जाए, अब हम दुविधा में, अब हम दुविधा में, राइट। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है कि ऐसे कंपोनेंट्स जो कि हमारे लिए इसेंशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो उस फिल्ट्रेट में चले गए हैं, उन्हें वापस से हमारी बॉडी में रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है, उन्हें वापस से हमारी बॉडी में रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। और इस सेकेंड स्टेप को हम बोलते हैं सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है, रीअब्सॉर्प्शन। अब सिलेक्टिव क्यों है, क्योंकि हमें पता है कुछ सिलेक्टेड चीजें ही हमें रीअब्सॉर्ब करनी है। अगर हम लोगों ने यूरिया को भी रीअब्सॉर्ब कर लिया तो मतलब क्या रहा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना। तो ऐसे में यार हम सिर्फ कुछ सिलेक्टिव चुनी हुई चीजों को वापस से रीअब्सॉर्ब करते हैं जो कि हमारे लिए इसेंशियल होती है, ठीक है। तो ये हुआ क्यों, ये इसलिए हुआ यार कि जब ये ब्लड आया, ठीक है, ऐसे बढ़िया सा ब्लड फिल्टर आउट हुआ और यहाँ से यूरिया फ्री, एक्चुअली वो कंप्लीटली यूरिया फ्री नहीं होता बट स्टिल यहाँ से काफी सारी मात्रा में यूरिया जो है वो फिल्टर आउट होकर नीचे आ गया, ठीक है। अब ऐसा देखा गया है कि सिर्फ यूरिया नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा ग्लूकोज भी आ गया, थोड़ा सा अमीनो एसिड भी आ गए, थोड़े से आयंस भी आ गए, लेकिन चक्कर ऐसा है ना कि हमें तो सिर्फ यूरिया को बाहर फेंकना है, लेकिन ग्लूकोज आ गया है, अमीनो एसिड आ गए हैं, आयंस आ गए, अब इनका क्या किया जाए, तो इन्हें हमें वापस से हमारी बॉडी में लेना पड़ेगा। तो जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ पहली प्रोसेस में क्या लिखा है, ऑल द ब्लड कंपोनेंट्स आर फिल्टर्ड इन द प्रोसेस बाय द किडनीज, किडनीज का मतलब नेफ्रॉन्स है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द ब्लड सेल्स, ऑफकोर्स वहाँ पर ब्लड सेल्स फिल्टर आउट नहीं होते हैं, ठीक है, एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स, एग्जाम्पल यूरिया, वाटर, सोडियम, ग्लूकोज, पोटेशियम एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या होती है ना कि वहाँ से फिल्टर आउट हो जाती है। कौन कौन नहीं होता है, ब्लड सेल्स नहीं होते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होते हैं, लेकिन यूरिया, वाटर, सोडियम, ग्लूकोज, पोटेशियम, अमीनो एसिड, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वहाँ से फिल्टर आउट हो जाती है, ठीक है, ऑलराइट। अब दूसरी स्टेप देखते हैं, सम एसेंशियल कंपोनेंट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड बैक इन द ब्लड। हमने देख लिया, हमें अपनी गलती पता चल गई कि यार यूरिया को तो बाहर फेंकना है लेकिन सोडियम तो इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज तो इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो वापस ब्लड में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो ये चीजें जा चुकी है वहां पर उस फिल्ट्रेट में, अब उस फिल्ट्रेट में से उन्हें बाहर निकाल के वापस हमारे ब्लड में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो होता है हमारे सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन वाली प्रोसीजर में। अब ये कैसे होता है उसको देख लेते हैं। अब बेसिकली यार ये जो हमारा, जिससे मैंने ग्रीन से मार्क किया है, ये हमारा पीसीटी है, हमारा रीअब्सॉर्प्शन पीसीटी में भी होता है, यहाँ पर हेनलीज में भी थोड़ा सा होता है, डीसीटी में भी थोड़ा सा होता है, ठीक है। अब ऐसा है कि रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है, ताकि उन कंपोनेंट्स को जो कि वहां पर उस फिल्ट्रेट में है उन्हें वापस से रीअब्सॉर्ब करके हमारे बॉडी में डाल दिया जाए, ठीक है। तो अब रीअब्सॉर्ब करके हमें उन्हें अपने ब्लड में डालना है, राइट, हमें उन्हें अपने ब्लड में डालना है। जब हमें उन्हें अपने ब्लड में डालना है तो कोई ना कोई ऐसी जगह चाहिए ना जहाँ पर हम वापस डाल सकते हैं। तो जो तुम ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज देख सकते हो ना, जिन्हें मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, ये जो यहाँ पर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, ये सारी जो यहाँ पर कैपिलरीज है, ठीक है, क्या होता है कि ये जो हमारा रीअब्सॉर्प्शन होता है इन कैपिलरीज के थ्रू हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली रीअब्सॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है, रीअब्सॉर्प्शन ब्लड में हो रहा है, राइट। हमें उस चीज को, जैसे ग्लूकोज है, पोटेशियम है, सोडियम है, कुछ आयंस है हमारे, राइट, अमीनो एसिड्स है, इन्हें रीअब्सॉर्ब कहाँ में किया जाएगा, ब्लड में किया जाएगा। और यहाँ पर ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं, इनमें बेसिकली इन चीज़ों को रीअब्सॉर्ब किया जाता है, ऑलराइट, इनमें इन कैपिलरीज को रीअब्सॉर्ब किया जाता है, ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। तो ये कुछ ऐसी यहाँ पर ट्रैवल करती हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर, ये जो हमारा बोमेंस कैप्सूल है, ये हमारा एफरेंट आर्टरियोल है, ये हमारा एफरेंट आर्टरियोल है, एफरेंट, राइट। तो क्या होता है कि ये जो हमारा पीसीटी है, हमारा जो हेनलीज लूप है, तो ये बेसिकली यहाँ पर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है, ठीक है, यहाँ पर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होते हैं, जहाँ से, जहाँ पे क्या होता है कि ये पीसीटी से, या फिर मैं कह सकता हूँ ये हेनलीज लूप है, ठीक है। तो इन जनरल में तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ से चीज़ें रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं, कहाँ पर होती हैं, इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में होती हैं, जो कि इस हमारे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अलॉन्ग साइड चलती हैं, ताकि यार फ्लो फ्लो में क्या होता है कि यहाँ से ग्लूकोज को वापस ले लिया जाए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से अमीनो एसिड को वापस ले लिया जाए, वाटर को वापस ले लिया जाए। अब यार ये दो ट्रक हैं, ये है ट्रक नंबर वन, ये है ट्रक नंबर टू, ठीक है। एक इंसान इस ट्रक पे है, इस इंसान को इस ट्रक पे जाना है, ठीक है, इस ट्रक पे जाना है। अब इस ट्रक पे अगर इस इंसान को जाना है, ठीक है, तो इस ट्रक को, ये वाले ट्रक को इस सेकंड वाले ट्रक के अलॉन्ग साइड रहना पड़ेगा, तभी तो इंसान जंप कर पाएगा, राइट। सेम केस है, ठीक है, सेम केस है। अगर हमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, आयंस, इन सारी चीजों को हमारे ब्लड के अंदर वापस डालना है, तो ये जो हमारी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, इन्हें भी पीसीटी और डीसीटी और हेनलीज लूप के अलॉन्ग साइड रहना पड़ेगा, तब जाके हम लोग रीअब्सॉर्ब कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है, वाइब समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। सो जो फर्स्ट स्टेप थी उसके अंदर हमने क्या देखा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, जो फिल्ट्रेट आया उसके अंदर था यूरिया, अमीनो एसिड्स,
उसके साथ साथ आयंस, वाटर, ठीक है। अब हमने एक चीज नोटिस किया है कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड यार, ये सारी चीजें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ चली गई वहां पर? अब तो गलती हो गई, अब यार वहां से हमें इन चीजों को वापस लाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें हमारे लिए यूजफुल है, काम की है, ठीक है, यूरिया नहीं है, ये सारी चीजें हैं। तो अब सेकंड स्टेप में क्या होता है कि इन सारी चीजों को रीएब्जॉर्ब किया जाता है। कैसे किया जाता है, हमने बात की कि कैसे अलोंग साइड जो है वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है, ठीक है, ऐसी कॉइल होती है, तो जैसे ही पीसीटी से हमारा वो फिल्टर ऐसा फ्लो करता है, ठीक है, वहां से ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और हमारे आयंस वापस से हमारे ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं। ऑलराइट, बात समझ में आ रही है, पॉइंट समझ में आ रही है, ठीक है। और तीसरी स्टेप जो होती है हमारी, जो हमारी थर्ड स्टेप होती है, उसे हम कहते हैं, थर्ड स्टेप को हम कहते हैं ट्यूब्यूलर सीक्रीशन, ठीक है। थर्ड स्टेप को हम लोग कहते हैं ट्यूब्यूलर सीक्रीशन। अब ट्यूबुलर सीक्रीशन में जनरली क्या होता है कि यार हमारी बॉडी के अंदर कुछ और वेस्ट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, कुछ और वेस्ट भी प्रोड्यूस होती है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली उन वेस्ट को, ठीक है, उन वेस्ट को अंदर सीक्रेट कर दिया जाता है, ठीक है। हमें रीअब्जॉर्प्शन में क्या देखा, रीअब्जॉर्प्शन में कुछ इसेंशियल कॉम्पोनेंट्स को रीअब्जॉर्ब कर दिया गया और हमारी ब्लड कैपिलरीज में डाल दिया गया। सीक्रेशन में उल्टा होता है, सीक्रेशन में कुछ और वेस्ट मटेरियल जो हमारे ब्लड के अंदर होते हैं उन्हें इस ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है, उन्हें इस ट्यूब के अंदर वापस से डाल दिया जाता है, ताकि यार सारा का सारा कचरा जो है वो एक साथ बाहर निकल जाए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं, कभी कभी क्या होता है कि जो गाड़ी हमारे यहाँ पे कचरा पिकअप करने आती है, ठीक है, हम जब डस्टबिन बाहर लेके जा रहे होते हैं तो कभी कभी होता है ना कि मम्मी बोलती है कि रुक जा यार, ये भी डाल दे इसके अंदर, ठीक है। तो ये वही वाला केस है, यूरिया हमारा बाहर जा रहा था लेकिन कुछ और चीजें थी जिन्हें भी हमें बाहर फेंकना था, ठीक है, उन चीजों को भी हमें बाहर फेंकना था। तो क्या होता है कि ये सारी चीजें साथ में बाहर निकलती है और इन सारी चीजों को कलेक्टिवली हम यूरिन कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, चीजें फिल्टर हुई, फिल्ट्रेट रेडी हुआ, दूसरी स्टेप में इसेंशियल कॉम्पोनेंट्स को रीअब्सॉर्ब कर लिया गया, अब तीसरी स्टेप में कुछ और छोटी मोटी वेस्ट को उसके अंदर डाला गया, उस ट्यूब के अंदर, और इसे हम कहते हैं यूरिन, ठीक है, इसे हम कहते हैं यूरिन। ये काफी डाइल्यूट होता है, जो हम बात कर रहे थे ना यहाँ पर कि यूरिया जो रहता है उसे हमें बाहर निकालना होता है, लेकिन कुछ और वेस्ट भी आती है और उसे हम इन जनरल यूरिन कहते हैं, ठीक है। जब वो वेस्ट यूरिया के साथ में बाहर निकलने वाली होती है वो बेसिकली यहाँ से ऐसी जाती है, ये जो मैं एरो ड्रॉ कर रहा हूँ, और इस कलेक्टिंग डक्ट में आ जाती है, ठीक है। अब यार अब मैं तुम्हें बहुत अच्छे वाली चीज बताता हूँ। तो बेसिकली ये एक नेफ्रॉन है, ठीक है, ये एक नेफ्रॉन है, ठीक है, दिस इज वन नेफ्रॉन। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ऐसे लाखों नेफ्रॉन्स हैं, ठीक है, ऐसे लाखों नेफ्रॉन्स हैं, तो ऐसे लाखों नेफ्रॉन्स थोड़ा 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 यूरिन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो तुम्हें कलेक्टिंग डक्ट देख रहे हो ना, ये कलेक्टिंग डक्ट सारे नेफ्रॉन्स से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अगर मैं इसका एक छोटा सा डायग्राम बना के बताऊं, ये नेफ्रॉन है, ठीक है, ये नेफ्रॉन है, ऑलराइट, ये नेफ्रॉन है, ठीक है, ये नेफ्रॉन है, ऑलराइट ऑलराइट, ये नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन है। ऐसे मैंने सिर्फ पांच छह ही बनाए, कितने, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है, मैंने सिर्फ छह बनाए, ऐसे मिलियंस होते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये वाला नेफ्रॉन भी इस कनेक्टिंग डक्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला नेफ्रॉन जो है, ये वाला नेफ्रॉन जो है ये भी इस कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा हुआ है, ये वाला नेफ्रॉन भी जुड़ा हुआ है, ये वाला भी, ये वाला भी, और ये वाला भी, सारे के सारे क्या कर रहे हैं, यूरिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे, हमने बात की कि यार यूरिया के साथ में कुछ और वेस्ट आती है और मिला के बनता है यूरिन, ठीक है, ये यूरिन इस डक्ट में डाला जाता है, तो ये वाला नेफ्रॉन भी डाल रहा है, ये वाला नेफ्रॉन भी डाल रहा है, ये वाला नेफ्रॉन भी डाल रहा है, और इन जनरल इस कलेक्टिंग डक्ट से फिर हमारा यूरिन जो है वो पास करता है। यहाँ पर तुम देख सकते हो, यूरिन फ्लोज इन टू द रीनल पेल्विस, ठीक है। ऑल राइट, तो हमने सबसे पहले समझ लिया था कि कैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है, एक बार वापस से देख लेते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बिगिंस इन द नेफ्रॉन द किडनी, ब्लड ट्रैवल्स थ्रू कॉइल स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। ये जो तुम दिख रहा है यहाँ पर, ये जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज ग्लोमेरुलस। और हमने बात की थी कैसे यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, कैसे यहाँ पर फिल्ट्रेट रेडी होके हमारे पीसीटी में एंटर करता है, राइट, हमने बात की थी। सेकंड स्टेप हमारी, सेकंड स्टेप जो हमारी होती है, दैट इज सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। दिस रीअब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस सिलेक्टिवली अलाउइंग सब्सटेंसेस यूजफुल टू बी रीअब्सॉर्ब। ध्यान से सुनना हर एक वर्ड, अगर तुम ध्यान से समझते हो ना तुम्हें आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। दिस रीअब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस सिलेक्टिवली, सिलेक्टिवली का मतलब, अगर मैं बात करूं यार आज की डेट में, अगर हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में 11 लोग खेल रहे हैं तो 11 लोगों को सिलेक्ट किया गया है, राइट, बहुत सारे लोगों में से 11 लोगों को सिलेक्ट किया गया, राइट, तो इसलिए हम कुछ सिलेक्टेड चीजों को वापस से रीअब्सॉर्ब करेंगे, सही बात है। यूजफुल टू बी रीअब्सॉर्ब एक्सक्लूडिंग दोज नॉट नीडेड बाय द बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी पर, ये एक दो तीन चार पांच, ठीक है, इसमें से इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है और इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसे रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, इसे रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। अब इसकी जरूरत नहीं है तो रीअब्सॉर्ब क्यों किया जाएगा, तो इसे रीअब्सॉर्ब नहीं किया जाएगा।
इसकी जरूरत है तो रीअब्सॉर्ब कर ले जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है तो क्यों रीअब्सॉर्ब किया जाएगा। समझ में आ रही है भाई? और अगेन यार ट्यूबुलर सिक्रेशन के अंदर तो हम लोग जानते ही हैं कि बेसिकली कुछ और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं, ठीक है, कुछ और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन्हें अगेन हमारे ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है और फिर फॉर्मेशन होता है हमारे यूरिन का। और ये जो यूरिन होता है वो हमारे कलेक्टिंग डक्ट में जाता है और ये ऐसा हर एक नेफ्रॉन में होता है, ठीक है, ऐसा हर एक नेफ्रॉन में होता है। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं हीमोडायलिसिस की, या फिर हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल किडनी की, ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी की। अब यार हमें चीज़ जानते हैं, नाम से समझ में आ रहा है कि आर्टिफिशियल का क्या मतलब है। आर्टिफिशियल का मतलब यार आर्टिफिशियल है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आर्टिफिशियल किडनी क्यों, सिंपल सी बात है यार ये भी कि अगर किसी इंसान की किडनी खराब हो जाएगी तो उसकी बॉडी में से यूरिया बाहर कैसे निकलेगा, उसकी बॉडी में से यूरिन बाहर कैसे निकलेगा। अगर किसी इंसान की अगर ओरिजिनल किडनी खराब हो गई है तो उसे ये आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत पड़ती है उसकी बॉडी से यूरिया बाहर निकालने के लिए। इसका जो मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल होता है लेकिन ये काफी स्मार्ट चीज है यार, ठीक है, बहुत ही स्मार्ट चीज है। यहाँ पर अगर हम साफ साफ देखते हैं तो इस इंसान से यार ब्लड जो है वो निकाला जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है इस पंप से, बेसिकली अब ब्लड जो है वो यहाँ पर नीचे जाने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पूरा सिस्टम दिख रहा है यहाँ पर मेन खेल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से जो ब्लड आया है ब्लड के अंदर हमें पता है क्या क्या होगा, ब्लड के अंदर सारे कॉम्पोनेंट्स होंगे जो ब्लड के अंदर होते हैं, प्लस ब्लड के अंदर यूरिया भी होगा, ठीक है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। ब्लड के सारे कॉम्पोनेंट्स तो होंगे ही होंगे लेकिन ब्लड के अंदर यूरिया भी होगा। अब यहाँ पर वो सारा केस नहीं है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन वाला केस नहीं हो रहा है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन वाला कोई केस नहीं हो रहा है, यहाँ पर सीक्रेशन वाला कोई केस नहीं हो रहा। अगर ये जो हमारे यहाँ पर येलो कलर का फ्लूइड दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड डायलिसिस फ्लूइड, या फिर हम इसे डायलिसिंग सोल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो डायलिसिस फ्लूइड होता है ना, इट इज कम्प्लीटली सिमिलर टू आर ब्लड, ठीक है। जो भी कॉम्पोनेंट्स हमारे ब्लड के अंदर होते हैं वो सारे के सारे कॉम्पोनेंट्स डायलिसिस फ्लूड के अंदर भी होते हैं एक्सेप्ट फॉर यूरिया, ठीक है। ब्लड के अंदर यूरिया भी होता है और इस डायलिसिस फ्लूड के अंदर यूरिया नहीं होता है, इसका एक कारण है, ठीक है, इसके अंदर यूरिया नहीं होता है, इसका एक कारण है, ठीक है। वो कारण अब हम समझने वाले हैं यार। ये जैसे ही ब्लड इस ट्यूब सिस्टम से पास कर रहा है, ठीक है, इस ट्यूब सिस्टम से पास कर रहा है जिसे हम कहते हैं सेलोफीन ट्यूब्स। ये जो पूरा सिस्टम होता है ट्यूब्स का, इट इज मेड अप ऑफ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब समझते हैं यहाँ पर क्या होता है। यार हमारे ब्लड के अंदर यूरिया है, हमारे डायलिसिस फ्लूइड के अंदर यूरिया नहीं है, ठीक है, डायलिसिस फ्लूइड के अंदर यूरिया नहीं है, ठीक है। अब यार हमें चीज अच्छे से पता है कि कोई भी चीज हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में फ्लो करती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो हमारा ब्लड है उस ब्लड में से यूरिया जो है वो फ्लो करेगा, यूरिया फ्लो करेगा हमारे डायलिसिस फ्लूइड में बाय डिफ्यूजन, ठीक है। तो बेसिकली क्या होने वाला है, सिंपल सा खेल है इसके अंदर, यूरिया जो हमारे ब्लड के अंदर है, ठीक है, जो यूरिया हमारे ब्लड के अंदर है वो यूरिया अब इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर फ्लो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है, राइट, हायर कंसेंट्रेशन से यूरिया अब लोअर कंसेंट्रेशन में जाएगा, ठीक है। और ये कैसे जाएगा, इट विल गो थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यार ये यहाँ पर एक जगह है, ठीक है, यहाँ पर एक बॉडीगार्ड खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 5 लोग हैं, ठीक है, इन 5 लोगों में से यार सिर्फ 3 लोग अंदर जा सकते हैं और बाकी के लोगों को इस बॉडीगार्ड ने रोक लिया। तो ये जो बॉडीगार्ड है हमारा, ही इज एक्टिंग लाइक अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर हम कह सकते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या कर रहा है, कुछ सिलेक्टेड लोगों को अंदर जाने दे रहा है, बाकी के लोगों को नहीं जाने दे रहा है। सेम केस में यार ये जो हमारी यहाँ पर जो ट्यूब का सिस्टम है, ये सिर्फ यूरिया को जो है वो पास होने दे रहा है, बाकी किसी भी चीज़ को पास नहीं होने दे रहा है। इसलिए यार यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है और डिफ्यूजन के थ्रू हमारे ब्लड का यूरिया बाहर निकल निकल के डायलिसिस फ्लूइड में जा रहा है। ऑलराइट, ये बात समझ में आई, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि बेसिकली ब्लड यहाँ से फ्लो करेगा, अब ये बार बार ऐसे फ्लो इसलिए कर रहा है ताकि यूरिया जो है वो बेसिकली हमारा डिफ्यूजन के थ्रू हमारे डायलिसिस सोल्यूशन में, या फिर हम कह सकते हैं कि डायलिसिस फ्लूइड में जा सके। ऑलराइट, ये बात समझ में आई, ठीक है। अब यार एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी देर बाद जैसे ही डिफ्यूजन के थ्रू यूरिया हमारे डायलिसिस फ्लूइड में जाना स्टार्ट करेगा, थोड़ी देर बाद डायलिसिस फ्लूइड के अंदर भी यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है, यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन डायलिसिस फ्लूइड में भी काफी सारा हो जाएगा। तो हमें कॉन्स्टेंटली हमारे डायलिसिस फ्लूइड को जो है वो क्लीन करना पड़ेगा। तो हम उसे क्लीन नहीं करते, जो मशीन होती है उसमें क्या होता है कि यहाँ से जो फ्लूइड, ठीक है, जो डायलिसिस फ्लूइड जिसके अंदर अब बहुत सारा यूरिया हो चुका है, वो यहाँ से बाहर निकल के यहाँ पर कलेक्ट होता है, ठीक है, वो यहाँ पर कलेक्ट होता है, इसके अंदर यूरिया और एक्सेस सॉल्ट दोनों आता है, ठीक है, और यहाँ से फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड जो है वो वापस से इस पूरे सिस्टम के अंदर जाता है। तो सीधी सी बात है यार,
हमें पता है कि जब डिफ्यूजन होगा ठीक है, तो यूरिया जो है वो बार बार हमारे डायलिसिस फ्लूड के अंदर जाएगा। अब बार बार जब यूरिया हमारे डायलिसिस फ्लूड के अंदर जाएगा तो सिंपल सी बात है कि उस डायलिसिस फ्लूड के अंदर यूरिया बढ़ जाएगा, राइट, यूरिया की मात्रा उसके अंदर बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि उस फ्लूइड को हम लोग बाहर निकालते जाते हैं और फ्रेश फ्लूइड अंदर डालते जाते हैं ताकि हमारा ब्लड जो है, हमारा ब्लड जो है वो यूरिया देना कम ना करे। क्योंकि यार जब एक बार तुम खुद सोचो, अगर बाहर की कॉन्सेंट्रेशन और अंदर की कॉन्सेंट्रेशन सेम हुई तो क्या डिफ्यूजन होगा? नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर बाहर की कॉन्सेंट्रेशन कम है और अंदर की ज्यादा है तो अंदर से बाहर फ्लो करेगा। सेम केस है यार। तो हमने देख लिया कि कैसे हीमोडायलिसिस के अंदर ब्लड को जो है उसे आर्टिफिशियल मीन्स के थ्रू जो है उसमें से यूरिया निकाला जाता है, उसमें से टॉक्सिक वेस्ट को निकाला जाता है। ओके, तो हमारा लाइफ प्रोसेसेस यहाँ पर खत्म हो चुका है, ठीक है। इफ़ यू हैवंट फॉलोड मी ऑन टेलीग्राम, तुम आकर मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर काफ़ी सारे अपडेट्स आते रहते हैं रेगुलरली। तो हमारा चैनल है padle.in, तुम जानते हो, ठीक। आई होप कि आप सब लोग सेफ हैं। तो बस यार, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो यार। वी मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय।